लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज शुरू हो गया है। आज 7 मई को तीसरे चरण में आगरा में मतदान शुरू हो चुका है। लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं, मतदाता अपने मताधिकार का, और हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोग उत्साहित, सजाया गया है अच्छा टेंट और सजाने की कोशिश की गई है। ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार के लिए ये ताकत हमारे बीच में, किसी भी नेता या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ये पता होना चाहिए ये जनता का अधिकार है, उसका अधिकार नहीं है। तो जनता जो चाहेगी वही होगा, ये अधिकार के बारे में हर नेता को जागरूक हो, हर जनता को भी होना चाहिए और नेता को पता होना चाहिए उनकी गद्दी या उनका जो ऐश्वर्य है वो एक जनता पर डिपेंड करता है, उन पर नहीं। सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी, अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे जिसको भी आप वो लाना चाहते हैं सरकार में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, तो हमारे अधिकार का प्रयोग अपना सबसे पहले जाके करें। जिसके भी है, किसी भी नेता से कोई दिक्कत है या कुछ भी है, अधिकार से ही आप अपनी आवाज उठा पाएंगे। मेरा यही मैसेज है सबको कि सब लोग मतदान करें जाके। ये सबसे बड़ी बात ये है कि देश सुरक्षित रहे। जो बॉर्डर पर इतना अच्छा वो किया और रक्षा जो है वो अच्छा व्यवस्था की है कि दूसरे देश से जो है आक्रमण, जब जिंदगी रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, तभी आगे और मुद्दे काम करेंगे। और बाकी विकास तो हो ही रहा है और इस वर्तमान सरकार में इतनी सारी योजनाएं मिली हैं और जिसमें कोई भेदभाव नहीं रखा गया है, सबको समान रूप से जो है उस योजनाओं का लाभ मिला है। जैसे आप उज्ज्वला गैस लीजिए और पक्के मकान लीजिए और महतारी योजना, मतलब सो मैनी जो हैं योजनाओं का लाभ मिला है। यही अपील करना चाहते हैं कि आप जो है स्वरोजगार करिए। आप बेरोजगारी को लेकर उठाते हैं, आप स्वरोजगार करिए ना। मुद्रा लोन मिल रहा है और बहुत सारी, हाँ जी, वोट करने की अपील करना चाहूँगी कि घर नहीं बैठे, पहले आप जो है मतदान करिए, बाद में जलपान करिए।